सब्सक्राइब कीजिए आओ घर सजाएं चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल में आपके लिए देखिए ये वेलकम वाला डोरमेट लेकर आए हैं, जिसमें मैंने पूरा अल्फ़ाबेट बनाए हुए हैं और ये सिलाई से ही बनाया हुआ है और देखने में एकदम सुंदर दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड, मैंने इसको किस तरीके से बनाया है, चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फंदे यहाँ पर डाल लिए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 40 की जगह 60 फंदे डाले हुए हैं। और देखिए मैंने पूरे 60 फंदे हैं यहाँ पे मेरी सिलाई में, और सिलाई मेरी 9 नंबर की है, तो ये हम सिलाई उल्टा उल्टा बनाएंगे। पहला फंदा हमें उतारना है, पहली लाइन में उतारें या ना उतारें क्योंकि टाइट होता है, तो पूरी सिलाई हम इसी तरीके से उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। और ऐसे ही उल्टे बनाते हुए हमें यहाँ पे 12 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट करनी है। 12 सिलाइयाँ यानी कि 6 रो बना के हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बॉर्डर बना दिया है, अगर आप इसे भी चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो आप और भी बना सकते हैं। देखिए मेरा बॉर्डर बन के कम्प्लीट हो चुका है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें 6 फंदे इसे बनाने हैं। ऑरेंज कलर से हम यहाँ 6 फंदे बनाएंगे। दो, तीन, चार, पाँच और ये 6। 6 फंदे हमने बना लिए ऑरेंज कलर से। और यहाँ से हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे, जो कि मेरे पास यहाँ पे देखिए बैगनी कलर है, यहाँ से बैगनी कलर लगाएंगे। धागे को इसी के साथ में ले लेंगे ताकि ये खुलेगा भी नहीं। और इस लाइन को बनाएंगे, एंड तक हम इस लाइन को बनाएंगे जब तक कि हमारे पास ये पीछे 6 फंदे ना छूट जाएं, जब तक हमें ये पूरी लाइन यहाँ पे बैगनी कलर से बनानी है। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने बना लिए हैं, 6 फंदे बचे हुए हैं। अब यहाँ से हम देखिए यहाँ से ये ऑरेंज कलर का हम दूसरा फूल यहाँ से लगाएंगे। वो वाला गोला हमने उधर ही छोड़ दिया है उस साइड, और इधर से दूसरा गोला जुड़ा हुआ है, यानी कि दो गोले हमें एक उधर दोनों साइड से अटैच करने हैं। देखिए इस तरीके से 6 फंदे हमने इससे बना लिए, इधर का गोला हमने इधर ही अटैच किया है, और देखिए इधर का इधर ही अटैच किया है, और राइट साइड से जो फंदा जैसा है उसको हम वैसे ही बनाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमने बैगनी कलर से दो अपनी सिलाइयाँ बना ली हैं। देखिए ये दो रो हैं, यानी कि 4 सिलाइयाँ हैं, और ये 6 फंदे हमारे साइड में चलते रहे दोनों साइड से। अब ध्यान से देखिएगा कैसे हमें करना है, तो ये 6 फंदे 6 ही रहेंगे। देखिए जो हमारे ऑरेंज कलर से हैं, हमने 6 फंदे बना लिए हैं। अब हम धागा क्रॉस कराएंगे इस तरीके से, और 3 फंदे हम यहाँ पे बैगनी कलर से बनाएंगे। ये देखिए 3 फंदे बन चुके हैं। अब यहाँ से हम अपना चौथा कलर अटैच करेंगे, जो कि हमारे पास ग्रीन कलर है, तो यहाँ से हम अपना ये वाला कलर अटैच करेंगे। और पूरे फंदे बनाएंगे हम इससे, जैसे कि लास्ट में हमने यहाँ पे ये 6 फंदे ऑरेंज कलर से और 3 फंदे हमने बैगनी कलर से लिए हुए, ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। 6 फंदे तो हमारे ऑरेंज कलर से है ही हैं, और यहाँ पे बैगनी फंदे हम 3 कलर 3 फंदे हम बैगनी कलर से बनाएंगे। तो यहाँ से हम बैगनी कलर का दूसरा गोला ज्वाइंट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए ये दोनों गोले ज्वाइंट हो चुके हैं, और यहाँ पे एक तो है, और यहाँ से हम एक और बैगनी कलर का गोला ज्वाइंट करेंगे। और तब तक हम ये सारे फंदे क्रीम कलर से बनाते हैं। फंदे क्रीम कलर से बनाने के बाद अभी हमारे पास यहाँ पे पर्पल कलर के 3 फंदे बचे हुए हैं, तो यहाँ से हम एक कलर को इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से हम पर्पल कलर ज्वाइंट करेंगे, और 3 फंदे हम इसी से बना लेंगे। फिर से धागा ऐसे क्रॉस कराएंगे, और ये 6 फंदे हमारे ऑरेंज कलर के हैं वैसे ही बनाएंगे। राइट साइड से जो फंदा जैसा है हमें वैसे ही बनाकर कंप्लीट करना है।
देखिए फ्रेंड्स, क्रीम कलर से भी हमने यहाँ पे चार लाइनें बनाकर कंप्लीट की हुई हैं। अब हम यहाँ से अपना डिज़ाइन डालेंगे। तो ये वाले हमारे जो फंदे छः थे वो वैसे ही चलेंगे। ये तीन फंदे बैंगनी कलर के चल रहे थे वही चलेंगे। धागा क्रॉस कराते जाएंगे यहाँ से हम। फिर से धागा क्रॉस कराएंगे और क्रीम कलर के हम 12 फंदे बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 फंदे हमने क्रीम कलर से बना लिए हैं। अब यहाँ से हम अपना चौथा कलर अटैच करेंगे जो कि मेरे पास ब्लैक कलर है। मेरे पास देखिए मैंने ये बूल को डबल किया हुआ है। अगर आप बूल से बना रहे हैं तो बूल को डबल कर लीजिएगा। अगर आप साड़ी से या चुन्नी से बना रहे हैं तो सिंगल में ही काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखिए अब यहाँ से हम और इधर की साइड से भी हम 12 फंदा छोड़ देंगे और बाकी जितने फंदे हम यहाँ से ब्लैक कलर से बना लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे 18 फंदे ब्लैक कलर से हुए हैं और अभी हम पूरे यहाँ से क्रीम कलर से बनाएंगे। अगर धागा आप यहाँ पे साथ में लेके चलेंगे तो इस तरह की ये नहीं आएगी, मैंने नहीं लिया है। और ये बाकी 12 फंदे हम जैसे हैं वैसे ही बना लेंगे। और अगर आपको यहाँ से दूसरा भी यहाँ से एक और गोला बना के ज्वाइंट करना है तो आप वो भी कर सकती हैं। और एक गोला इधर रह जाएगा क्रीम कलर का, एक गोला इधर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल भी ये साथ में जो हमारे यहाँ रही है रस्सी बीच में नहीं आएगी, या फिर आप इसके साथ साथ लेते चलेंगे तब भी नहीं आएगी। तो जो फंदे जैसे हैं वैसे हम यहाँ पर बना लेते हैं। राइट साइड भी जैसी है वैसी बना कर कंप्लीट कर लेते हैं। राइट साइड बना ली है, अब हम फिर से रॉन्ग साइड में हैं। मैंने इतना हिस्सा बना लिया जैसे बनना था वैसे ही बना लिया रॉन्ग साइड से भी। अब हम क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से। अब हमें W बनाना है। तो W कैसे बनाएंगे देखिए, चार फंदे हम लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। चार फंदे हमने ये ब्लैक से बना लिए, बाकी फंदे हमें क्रीम से बनाएंगे। एंड तक हमें ये फंदे पूरे बनाते जाना है, ब्लैक भी सारे और ये वाले भी फंदे जो क्रीम से हैं वैसे बना लेंगे। और ये तीन फंदे जो हमारे बैगनी से चल रहे थे वो भी बनाएंगे और पर्पल ये ऑरेंज वाले भी हमको इसी तरीके से बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको डबल में बना लिया है क्योंकि ये सिंगल में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको डबल में बनाया है। वैसे ही जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। अब हम क्या करेंगे देखिए, इसके रॉन्ग साइड से सिलाई बनाएंगे हम। ये जैसी बन रही है वैसे ही बनाएंगे और यहाँ पर हम ये चार फंदे जो क्रीम के हैं छोड़ देंगे, बाकी यहाँ तक के फंदे हम बना लेते हैं जैसे हैं वैसे ही। इतने बनाने के बाद अब हम यहाँ पे चार फंदों के पास में आ चुके हैं। आप देखिएगा ध्यान से, धागा को हम ऐसे क्रॉस कराएंगे और ये चार फंदे हैं जो ब्लैक कलर से बना लेंगे, 1, 2, 3 और 4। जो नीचे के ये चार फंदे थे उनको अब हम क्रीम से बना लेंगे। ये हमने क्रीम से बना ली है और क्रीम का जितना भी है उसको पूरा क्रीम से ही बनाएंगे नीचे तक, देखिएगा इस तरीके से। और इसको हम डबल भी करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए डबल किया हुआ है, और इसके राइट साइड से भी बनाएंगे और एक रॉन्ग साइड से भी बनाएंगे। तो इसको हम डबल कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमने बना लिया इतना हिस्सा और ये मैंने यहाँ पे देखिए दो लाइन और बना ली है, जैसे कि यहाँ पे बनाई हुई थी दो लाइन, यानी कि चार सिलाइयाँ हैं ये। और फिर से हम यहाँ से 12 फंदे बनाएंगे और इधर से भी 12 फंदे बनाएंगे। जितने बीच में फंदे बचेंगे उससे ये ब्लैक कलर की दो लाइनें बनाकर कंप्लीट करेंगे, यानी कि चार सिलाइयाँ। तो ये हमारा W बन के कम्प्लीट हो जाएगा। देखिएगा बहुत ईजी है और देखने में भी बहुत सुंदर दिखाई देगा ये। तो इसको हम बना के कम्प्लीट कर लेते हैं। जैसा कि इधर बना हुआ वैसे सेम हिस्सा हमको इधर बनाना है। फ्रेंड्स W बनने के बाद हमने यहाँ पे चार सिलाइयों का गैप दिया है
और उसके बाद में मैंने यहाँ पे पिंक कलर लगाया हुआ है और पिंक कलर की मैंने ये चार सिलाइयाँ बना ली हैं। 12 फंदे इधर से छोड़े हुए हैं, 12 फंदे इधर से छोड़े हुए हैं, बीच में जो हमारे पास 18 फंदे थे उन्हीं में मैंने ये पिंक कलर लगाया हुआ है। अब हम ई बनाएंगे, तो ई बनाने के लिए भी हमें ये वाला हिस्सा जैसा बना है वैसा बनाकर कंप्लीट करना है। जब हम पिंक कलर पर आएंगे तो बताएंगे किस तरीके से यहाँ से ई बनानी है। पहले हिस्सा बनाने के बाद देखिए अब हम पिंक कलर पर हैं, तो धागा को पहले हमें क्रॉस कराना है इस तरीके से और 3 फंदे पिंक कलर से बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। अब 4 फंदे क्रीम कलर से बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। फिर से 3 फंदे हम पिंक कलर से बनाएंगे, 1, 2 और ये 3 और 4 फंदे क्रीम कलर से बनाएंगे, 2, 3, 4। देखिएगा अब यहाँ पे हमारे पास एक फंदा बड़ा हुआ है, शायद इधर से कहीं से कम हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने सही कर लिया है। उसके बाद में ये 3 फंदे हम यहाँ से पिंक के बनाएंगे, यहाँ से क्रीम कलर जैसा है वैसा बनाएंगे हम। देखिए इस तरह से हमने ई का बना लिया है हिस्सा, ऐसे ही हमें बनाना है। जितनी भी लंबी आपको बनानी है उस हिसाब से हम इसको बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स एल भी बन चुका है, इसमें मैंने यहाँ पर 4 लाइनें बनाई हुई हैं ब्लैक कलर से। फिर देखिए 4 फंदे लिए हुए थे और इसके मैंने 6 सिलाइयाँ बनाई हैं, इतने से 4-4 फंदों की है और बाकी ये क्रीम कलर का चलाते गए हैं। अब हम यहाँ पे सी बनाएंगे, तो सी बनाने के लिए जैसे कि हमारा इतना एरिया जैसा बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे और 18 फंदे हैं बीच में, इसमें से हमें सी बनाना है। देखिए यहाँ पे 2-2 सिलाइयों का हम गैप देते जाएंगे। ये हमने 2 लाइनें यानी कि 4 सिलाइयाँ बनाई हुई हैं, देखिए सभी में हमने ये गैप दिया हुआ है। अब सी बनाएंगे, तो क्या करेंगे यहाँ से 4 फंदे हम बनाएंगे, ये यहाँ पे 4 फंदे बनाएंगे हम, डबल ऊन है, 2, 3 और ये 4, बाकी फंदे क्रीम कलर से और यहाँ पे भी नीचे 4 फंदे हमें पिंक कलर से बनाने हैं। 4 फंदे हम यहाँ से पिंक कलर से बना लेंगे, 1, 2, 3 और ये 4, बाकी जिससे हमारे पास भी 12 फंदे थे और जो फंदे हैं ऐसे ही बनाएंगे। और देखिए इस तरह सी का आकार बन जाएगा और यहाँ पे आप जितने भी लंबी सी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से अपनी सिलाइयाँ बनाइए। मैं यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बनाऊँगी और ये सी बन के कम्प्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स जैसे हमने सी बनाई थी वैसे हमने ओ बनाया है। ओ के लिए हमने देखी यहाँ पे हमने देखी सी में हमने 6 लाइनें बनाई थी और यहाँ पे हमने 8 लाइनें बना के कंप्लीट की हैं और 2 लाइनें जो हम बना रहे थे वही बनाई, तो हमारा ओ बन गया है। बीच में 4 सिलाई का गैप दिया है। एम जैसा हमने देखिए यहाँ पे ये डब्ल्यू बनाया हुआ था सेम वैसा ही यहाँ पे उल्टा करके इसको हमने एम बनाया है, ई बना दिए और जो ऐसा हमने इधर बनाया हुआ था वैसे सेम इधर बना दिया है। देखिए फ्रेंड्स हमारा वेलकम वाला डोरमेट बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं न्यू डिज़ाइन न्यू डोरमेट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।